तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम सीख लेते हैं ना कि फोन पे में यदि हम यूपीआई पिन भूल गए हैं, जो भी पेमेंट करने जा रहे हैं हमसे पिन मांगा जा रहा है, पिन हमको याद नहीं है, तो किस तरह से पिन आप अपना दोबारा प्राप्त कर पाएंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है आइए बताते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फोन पे ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना होगा, ठीक है। फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद इसको अनलॉक करेंगे, अपना पैटर्न वगैरह देखें। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्या प्रोसेस है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं पेमेंट करके। जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए किसी को यदि पेमेंट करते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम इनको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसी इनको हम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी पेमेंट मान लीजिए 1 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हम इनको पेमेंट करने जाएंगे ना, हमसे ऐसे यूपीआई पिन मंगा जा रहा है और यही पिन हमको याद नहीं है, तो कैसे इस पिन को बदलेंगे आइए सिखाते हैं आपको। ऐसे बैक आ जाना सिंपली, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। बैक आने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है आइए मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा माई मनी का, इस माई मनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा बैंक अकाउंट का, इस पे आपको टैप करना है, ठीक है। बैंक अकाउंट पे आपको टैप कर देना है। बैंक अकाउंट पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, जितने अकाउंट आपके बैंक के लिंक होंगे, ठीक है। अब आपको किस बात पे ध्यान देना है, बात इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो सभी अकाउंट यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे, तो जिस अकाउंट में आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, जिसका आपको यूपीआई पिन याद नहीं है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे यूको बैंक का नहीं याद है फर्स्ट वाला, तो मैं यूको बैंक पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमको क्या करना है आइए बताते हैं। यहाँ पे देखिए यूपीआई पिन के सामने यहाँ पे रीसेट और चेंज दो ऑप्शन लिखे हैं, तो हमको तो पिन याद नहीं पुराना, तो चेंज तो कर नहीं सकते, रीसेट हमको करना होगा। तो सिंपल है, रीसेट वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे तो आपको अपने एटीएम कार्ड का आखिरी का 6 अंक देना होगा, ठीक है। तो आइए हम आखिरी के 6 अंक दे देते हैं, मैंने दे दिया। अब एक्सपायरी डेट यहाँ पे देना है कि आपका एटीएम का एक्सपायरी डेट क्या है, तो हम यहाँ से एक्सपायरी डेट भी दे दिया, प्रोसेस पे क्लिक किया, ठीक है। अब हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, ठीक है, जो मोबाइल नंबर हमारा खाते से लिंक है। और दोस्तों उस पर ओटीपी तो आएगी, और साथ में एक बात का ध्यान दीजिएगा, उस नंबर पे आपका रिचार्ज होना चाहिए तभी ओटीपी वगैरह आएगी, तो इस बात का थोड़ा सा केयर करिएगा, नहीं तो ओटीपी नहीं आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम भी वेट करते हैं, हमारे नंबर पर ओटीपी आती है फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ओटीपी देखिए मेरी आ चुकी, ठीक है, 3516 91 हमारी ओटीपी है। अब राइट करेंगे, ठीक है, 3516 91 हमारी हो चुकी, राइट करेंगे। अपना एटीएम का पिन यहाँ से दे देना होगा, एटीएम पिन दे दिए, अब राइट करेंगे। अब आपको जो नया वाला यूपीआई पिन बनाना है ना, वो यूपीआई पिन यहाँ से भर के और राइट पे क्लिक कर दीजिए, एक बार और यहाँ पे भर दीजिए, भर के यूपीआई पिन जो नया वाला बनाना है बना के राइट पे क्लिक कर दीजिए। मैंने बना दिया और यहाँ पे देखिए मेरा यूपीआई पिन यहाँ पे बदल भी चुका है, चेंज भी हो चुका, मतलब नया यूपीआई पिन हमारा मिल चुका है, देख लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय दोस्तों।